15 अगस्त के मौके पर पटेल मैदान में होगा व्यायाम का प्रोग्राम। कुछ खास लोगों को ही जाने की होगी अनुमति। प्रोग्राम प्रभारी जसवंत सिंह से पूछताछ के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अजमेर के पटेल मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार स्कूलों की छुट्टी चल रही है और स्कूली बच्चों को भी किसी प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक कुछ खास लोग जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है वे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। 15 अगस्त पर पटेल मैदान में एक्सरसाइज का प्रोग्राम करेंगे। इसी के मुताबिक एज में पटेल मैदान में प्रैक्टिस की जा रही है। क्या तैयारी चल रही है? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने कल से यहाँ पे व्यायाम का अभ्यास आरम्भ किया है। इस बार चूँकि कोविड-19 की वजह से बच्चों को अलाउ नहीं किया है, तो जो हमारे शहर के सारे शिक्षक बंधु हैं उन सभी के द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अंतर्गत हमने छः एक्सरसाइज फ्री आर्म की ली है और छः एक्सरसाइज हमने रिंग की एक्सरसाइज ली है, जिसका हम पिछले 2 दिन से हम अभ्यास कर रहे हैं। आज हमने, बारिश भी थी पर बारिश रुकने के बाद में व्यायाम किया है। अगर बारिश वगैरह होती है तो चूँकि 25 लेडीज़ का और 25 जेंट्स का ग्रुप है, तो 50 जने यहाँ पे जो शेड्स हैं उनके अंदर भी हम नियमित हमारा अभ्यास होगा। और सारे शिक्षकों द्वारा इस बार 15 अगस्त के ऊपर मुख्य अतिथि के सबके सामने प्रदर्शन करेंगे। जसवंत सिंह, प्रदर्शन प्रभारी। कौन कौन से स्कूलों से आए हैं? ये शहर के सभी सारे शिक्षक हैं जो फिट हैं, जो जिनको किसी तरह की कोई डायबिटीज, शुगर वगैरह जो कोई बीमारी वगैरह नहीं है, जो स्वस्थ हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया। कोरोना को देखते हुए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वगैरह का पूरा उसको सभी को निर्देश है। सोशल डिस्टेंसिंग जो आदेश आए हैं, डीओ साहब के आदेश आए हैं, उसके अंदर भी निर्देश हैं सोशल डिस्टेंस का, और मास्क वगैरह जो भी गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसका पूरा फॉलो किया जाएगा। जसवंत सिंह, प्रदर्शन प्रभारी।